अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर गुरुवार को सदर तहसील के सभागार में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा जोखिम और आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यूनतम हेतु विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना है। गोष्ठी में COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी 10 सूत्रीय कार्य योजना को प्रसारित करने, जनसंख्या के प्रति जवाबदेही क्षमता संवर्धन तथा सामुदायिक सहभागिता विषय पर चर्चा कर कार्य योजनाओं का निर्माण किया जाने पर चर्चा की गई। इस मौके पर आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता, उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुनीता पटेल, 11वीं वाहिनी NDRF के निरीक्षक DP चंद्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, आज अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस है। आज अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण गोरखपुर, 11वीं वाहिनी NDRF और IGSSS ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज की ये कार्यशाला, यहाँ पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो हमारे प्रशासनिक विंग हैं और जो हमारे स्वैच्छिक संगठन हैं, इनके बीच में एक सामंजस्य स्थापित करके एक बेहतर रूप से हम लोग कार्य कर सकें, क्योंकि आपदा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी होती है वो होती है जो क्षेत्र आपदा से प्रभावित हुआ है, वहाँ जो बचे हुए समुदाय के लोग हैं वही सबसे पहले तो एक मदद करते हैं, क्योंकि कम्युनिटी इज़ द फर्स्ट रेस्पॉन्डर। तो उसके लिए हम सभी संगठनों को आज यहाँ पर आमंत्रित किए हैं, जिन्होंने COVID-19 के दौरान और बाढ़ के दौरान और अन्य भी आपदा के दौरान हमारे साथ सक्रिय रूप से कार्य किए हैं। आज उनके साथ यहाँ पे एक बैठक की जा रही है। बैठक का मूल उद्देश्य यही है कि हम लोग आगे चल करके किस प्रकार आपदा न्यूनीकरण के लिए कार्य कर सकें, इसके लिए आज एक रणनीति का निर्माण भी किया जाएगा। बैठक में हम लोगों ने वर्चुअली यूनिसेफ उत्तर प्रदेश और राहत आयुक्त कार्यालय और जो संगठन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको भी आमंत्रित किया है। उनके द्वारा आज यहाँ पर सेशंस भी लिए गए हैं, तो उनको भी इस प्रोग्राम के साथ जोड़ा गया है। और निश्चित तौर पे आगामी दिनों में हम लोग एक बेहतर रूप से एक नई रणनीति का निर्माण करके जन समुदाय को जागरूक करने का कार्य करेंगे।